साहब ने फरमाया था कि हर सदी में एक बोरान आता है और हमारा सदी का बोरान कोरोना है। जनाब स्पीकर, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हर सदी में बोरान आता है, हमारा सदी का बोहरान का नाम इमरान खान है। इस सदी का बोहरान इमरान खान। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा तकरीरों से लगता था कि वजीर आजम साइकिल पर दफ्तर आएगा, लेकिन बनी गाला से दफ्तर आने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जाले कायद ने महंगाई से लेकर IMF, स्टेट बैंक तक, पेट्रोल, बेरोजगारी, गुर्बत से सानहात तक सबका जिक्र किया। बोले ये हुकूमत सालाना बजट के साथ मिनी बजट भी देती है। कहते हैं मजबूरी में IMF के पास गए, हमारी मान लेते तो क्या हो जाता। ऑपोजिशन का सख्त मौकिफ, IMF के सामने रखते गाड़ियां, खाना पीना, गैस, तेल, फोन कॉल्स, इंटरनेट तो छोड़ें, ये तो सिलाई मशीन पर भी टैक्स लगा रहे हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज हो गया, तनख्वाहों में इजाफे और टीचिंग अस्पतालों के एक्ट के खिलाफ रेड जोन की तरफ मार्च। पुलिस ने एक्शन लिया, डॉक्टर्स को पकड़ कर मोबाइल में डाला। खरोटाबाद और कैंट पुलिस स्टेशन मुंतकिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद यकुम फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह जस्टिस उमर अता बंदियाल ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर अरसाल। मरी में सानहे के बाद सन्नाटों का राज। मॉल रोड की आधी से ज्यादा दुकानें बंद, खुली हुई दुकानों के बाहर रेड लिस्ट लगा दी। सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी बरकरार। इंतजामिया का 15 होटल सील करने का दावा, लेकिन किसी मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। बर्फ फेंक कर सयाहों को लूटने वाला सिर्फ एक ड्राइवर गिरफ्तार। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, मौसम सरमा में के इलेक्ट्रिक सारफीन के लिए रायती बिजली पैकेज की मंजूरी। घरेलू, कमर्शियल और जनरल सारफीन के लिए बिजली के नर्ख 12.96 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला। रियायती पैकेज का इतलाक 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा। और आलू, गोभी, टमाटर छोड़कर सब्जी फरोश जाली आमल बन गए। लाहौर में सोशल मीडिया पर कई लोगों को चूना लगाया, ख्वातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। FIA ने गैंग के 3 मुलजिमान को धर लिया।